हेलो दोस्तों, आज एक एपिलेप्सी के पेशेंट का केस ले रहा था और पेशेंट ने अपनी लाइफ की सिचुएशन में बहुत सारी चीजें बताई जिसमें उसे गुस्सा आ रहा था और गुस्से में उसने एक बहुत अच्छा सिम्टम दिया कि मेरे को जब बहुत गुस्सा आता है तो मेरे को वॉमिटिंग हो जाती है। नाउ दिस इज अ वेरी पीक्यूअर सिम्टम क्योंकि बहुत सारी दवाइयों में ये कवर नहीं होता। अब ये सिम्टम आपको कहां मिलेगा? ये सिम्टम आपको मिलेगा चैप्टर स्टमक में, स्टमक वॉमिटिंग एंगर आफ्टर या स्टमक वॉमिटिंग एंगर वेक्सेशन एग्रेवेट्स, ये रूब्रिक मिलेगा। कंप्लीट में भी यही रूब्रिक है, सिंथेसिस में भी यही रूब्रिक है, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है कि जहां सिंथेसिस में 7 दवाइयां दी हुई हैं, वहीं कंप्लीट रिपर्टरी में 13 दवाइयां दी हुई हैं। लेकिन कंप्लीट में 13 दवाइयां देने के बाद भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयां मिसिंग हैं जो कि सिंथेसिस में दी हुई हैं, और वो दवाइयां हैं आर्सेनिकल और कार्सिनोजन। तो अगर आप कंप्लीट रिपर्टरी यूज करते हो जो कि होमपथ में है, सिनर्जी सॉफ्टवेयर में है और कंप्लीट का खुद का भी सॉफ्टवेयर आता है, तो इस पर्टिकुलर रूब्रिक में 2 दवाइयां आर्सेनिक और कार्सिनोजन कम है जो कि इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं। स्पेशली जहां पर एक सब रूब्रिक है वॉमिटिंग एंगर वेक्सेशन एग्रेवेट्स इंडिग्नेशन विद, उसमें जहां सिंथेसिस में सिर्फ 1 दवाई दी हुई है कार्सिनोजन और यहां पर 3 दवाइयां दी हुई हैं जो कि है आई थिंक कैमोमिला कोलोसिन तो स्टेप्सिग्रिया, लेकिन यहां कार्सिनोजन मिसिंग है। अगर आप कंप्लीट प्रोटी यूज कर रहे हो तो आर्सेनिक और कार्सिनोजन ऐड करना नहीं भूलो इस सॉफ्टवेयर इस ट्रिप में, और अगर सिंथेसिस यूज कर रहे हो तो ध्यान रखो कि सिंथेसिस में लगभग 7 दवाइयां 8 दवाइयां यहां की कंप्लीट रिपर्टरी की मिसिंग है। मेरे पेशेंट को आज आर्सेनिक हेल्प की जरूरत थी डिपेंडिंग अपॉन द होल केस, और अगर मैं सिर्फ कंप्लीट रिपर्टरी यूज करता तो मैं ये दवाई मिस कर जाता। तो ये था आज का ज्ञान। ये रिपर्टोरियल डिफरेंसेस आपको बहुत सारे रूब्रिक्स में मिलेंगे। फॉर्चुनेटली मेरे पास होमपथ भी है, मेरे पास रडार भी है और मेरे पास सिनर्जी का सॉफ्टवेयर भी है, तो मेरे लिए इजी होता है कंपेयर करना। लेकिन आपके पास एटलीस्ट अगर आप कंप्लीट रिपर्टरी यूज कर रहे हो किसी सॉफ्टवेयर में तो सिंथेसिस का प्रिंट वर्जन रखो ताकि आप उसको एक्सेस कर सको, और अगर सिंथेसिस यूज कर रहे हो तो कंप्लीट का देयर इज अ डाउनलोडेबल रीडेबल वर्जन विच इज आई बिलीव फ्री, जिसमें आप रेपर्टराइज नहीं कर सकते, उसे अपने पास रखो ताकि आप क्रॉस चेक कर सको कि रेपर्टोरियल डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे आपके किसी रूब्रिक में। सो ये था आज का ज्ञान। ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे सेव कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना नहीं भूलना। थैंक यू।